हे फ्रेंड्स, जब कभी आप रात को तारों से भरे आकाश को देखते होंगे तो आपके मन में भी बहुत से क्वेश्चंस आते होंगे, जैसे कि आकाश में कितने तारे हैं, हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, या फिर इस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स ऑफ स्टारी स्काई के ऊपर भी क्या कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है, या फिर हम सब अकेले ही है। सेम यही क्वेश्चन साइंटिस्ट के दिमाग में भी स्ट्राइक किया और उन्होंने भी इस क्वेश्चन को सालों तक एक्सप्लोर किया। तो चलिए जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला। इन 1961 फिजिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप की, जो थी n इक्वल टू r स्टार टाइम्स f सब p टाइम्स n सब e टाइम्स f सब l टाइम्स f सब i टाइम्स f सब c टाइम्स l। अगर इस इक्वेशन की हर एक टर्म की बात की जाए तो n रिप्रेजेंट करता है उन नंबर ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को जो कुछ सब्सिक्वेंट फैक्टर्स के कारण बाउंड्रीज के अंदर है, जैसे कि हमारी केस में मिल्की वे गैलेक्सी, और r स्टार है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स जो नियर बाय प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ की डेवलपमेंट को पोटेंशियली अलाउ करता है। F सब P रिप्रेजेंट करता है उन स्टार्स को जिनके पास एक्चुअल में प्लैनेटरी सिस्टम है। वही N सब E सोलर सिस्टम में वो नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं जिनका एनवायरनमेंट लाइफ सस्टेन करता है। F सब L लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और F सब I उन लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट्स का फ्रैक्शन है जिस पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। सेकंड लास्ट टर्म F सब C उन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का फ्रैक्शन है जिन्होंने इतना तो सर्वाइव कर लिया है कि वो अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इतना तो डेवलप कर ले कि अपने एग्जिस्टेंस के सिग्नल आउटर स्पेस में भेज सके। और आखिरी टर्म L वो लेंथ ऑफ टाइम है जिसमें ये इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन विलुप्त होने से पहले सिग्नल्स एमिट कर सकेंगे। साइंटिस्ट ने इन वेरिएबल्स की जगह कुछ नंबर्स को रखा जिससे इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर बन गई n इक्वल टू 10 × 0.5 × 2 × 1 × 0.1 × 0.1 × l, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई किया गया और इक्वेशन रह गई n इक्वल टू l अपॉन 10, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारी स्पीशीज ईयर 2074 तक एग्जिस्ट करेगी तो हमारे बाद इस गैलेक्सी में अकेली 10 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन होगी। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए साइंटिस्ट ने कारदशव स्केल का यूज किया जो इंटेलिजेंट लाइफ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू टाइप 1 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन अपने होम प्लेनेट पर अवेलेबल सारी एनर्जी को यूज कर पाएंगे। ये टाइप हमारा है क्योंकि साइंटिस्ट ने हमें कारदशव स्केल पर 0.7 रेटिंग दी है। टाइप 2 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन अपने होस्ट स्टार की सारी एनर्जी को कंट्रोल और चैनल कर सकती है। और टाइप 3 सिविलाइजेशन के पास अपनी होस्ट गैलेक्सी के इक्विवेलेंट पावर का एक्सेस होगा। पर ड्रेक इक्वेशन और कारदशव स्केल से पहले भी साइंटिस्ट इस फैक्ट से टोटली कन्विंस थे कि हमारी गैलेक्सी में अ लार्ज नंबर ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बिखरी हुई है। बट ये फैक्ट तब फोकस में आया जब 1950 में ग्रेट एस्ट्रोफिजिस्ट एनरिको फर्मी अपने कलीग्स के साथ लंच के दौरान एलियन लाइफ की एग्जिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे। एनरिको फर्मी इटालियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्हें न्यूक्लियर एज का वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। एनरिको फर्मी ने ही फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर को इन्वेंट किया। इस ग्रेट साइंटिस्ट को फिजिक्स में 1938 में नोबेल प्राइज मिला। साथ ही इनके ऑनर में US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एनरिको फर्मी अवार्ड देती है। अगर फर्मी की अचीवमेंट्स की बात की जाए तो उनके ऊपर एक पूरा वीडियो बन सकता है, बट फर्मी हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है। इसलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, एलियन लाइफ की एग्जिस्टेंस को डिस्कस करते हुए फर्मी ने एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जिससे टेबल पर बैठे उनके सभी कलीग्स क्वाइट हो गए। उन्होंने पूछा, सब कहाँ हैं? वेयर इज एवरीबॉडी? उनके इस क्वेश्चन का मतलब था कि अगर इस बिलियन ऑफ स्टार्स वाली गैलेक्सी में कहीं कोई सिविलाइजेशन स्कैटर्ड है तो फिर क्यों हम अभी तक उनसे कुछ सुन नहीं पाए या मिल नहीं पाए। ये वही सवाल था जिसके कारण ड्रेक इक्वेशन और कारदशव स्केल में ट्रू पैराडॉक्स बॉर्न हुआ, जिसे आज हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 10 बिलियन ईयर्स पुरानी है और 100,000 लाइट ईयर्स तक फैली है। अगर एलियंस या कोई और एक्स्ट्रा टेरिस्टर स्पीशीज एग्जिस्ट करती है और उनके पास स्पेसशिप्स है तो वो 1% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करके अभी तक गैलेक्सी को 1000 टाइम्स कॉलोनाइज कर चुके होते। फिर क्यों अभी तक हमारे पास किसी और स्पीशीज या लाइफ की एग्जिस्टेंस का रियल एविडेंस नहीं है? यही क्वेश्चन फर्मी पैराडॉक्स है। फर्मी पैराडॉक्स के कारण जो साइलेंस अराइज हुई उसे डिफाइन करने के लिए अ नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन सामने आई, जिनमें से एक है द ग्रेट फिल्टर। ग्रेट फिल्टर एक एवोल्यूशनरी वॉल है जो मोस्ट लाइफ्स के लिए
लिए इम्परमीएबल है। ग्रिड फिल्टर के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि या तो ये हमारे पीछे है या ये हमारे आगे है। अगर ये हमारे आगे है तो शायद ये क्रिएशन ऑफ लाइफ से पहले एग्जिस्ट करती थी, जिसका मतलब हम इसे पार करने वाले रेयर स्पीशीज है जो सर्वाइव कर रहे हैं। और अगर ग्रेट फिल्टर वॉल हमारे आगे है तो हम अपने से एडवांस सिविलाइजेशन से इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ग्रेट फिल्टर वॉल को ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, यानी एक दिन हम भी ग्रेट फिल्टर वॉल को हिट करेंगे। कुछ और साइंटिस्ट के मुताबिक शायद हमारी गैलेक्सी का मोस्ट ऑफ द पार्ट एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा ऑलरेडी कॉलोनाइज किया जा चुका है और वो आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, पर क्योंकि हम एक सुनसान एरिया में पड़े हैं इसलिए हम उनके एक्शन को नहीं जान पा रहे हैं। या फिर शायद टाइप 3 सिविलाइजेशन हम जैसी इंफीरियर लाइफ से कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि शायद यूनिवर्स में एक प्रीडेटर स्पीशीज एग्जिस्ट करती है जिसके डर से एडवांस सिविलाइजेशन अपनी एग्जिस्टेंस के सिग्नल एमिट नहीं कर रही है ताकि प्रीडेटर स्पीशीज को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चले। बट अकॉर्डिंग टू जनरल एग्रीमेंट, अगर सच में कोई अदर सिविलाइजेशन है और वो अपने एग्जिस्टेंस के ट्रू सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो शायद हम ही उन्हें गलत सुन रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे पास उनके इन मैसेज को रिसीव और डिकोड करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इससे एक चांस ये भी बनता है कि शायद इस ह्यूज यूनिवर्स में हम अकेले हो। अकॉर्डिंग टू ड्रेक इक्वेशन, अगर कोई सिविलाइजेशन एक सेंचुरी तक सर्वाइव कर लेती है तो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद उनके बाद अकेले 10 सिविलाइजेशन होगी इस एंटायर गैलेक्सी में। पर तब क्या अगर ये सिविलाइजेशन इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद 100 इयर्स तक सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी, डेफिशिएंसी ऑफ फूड, क्लाइमेट वार्मिंग जैसी सिचुएशन भी होगी। मतलब 100 इयर्स तक किसी भी सिविलाइजेशन का एग्जिस्ट करना इतने डेवलपमेंट के बाद मुश्किल है। और अगर है तो ड्रेक इक्वेशन को चेंज किया जा सकता है जिससे आंसर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिविलाइजेशन इस स्पेस पेनिट्रेटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेती है तो n=1 होगा, मतलब हम इस एंटायर गैलेक्सी और इवन एंटायर यूनिवर्स में सर्वाइव करने वाले द ओनली इंटेलिजेंट लाइफ होंगे। फ्रेंड्स, ये था फर्मी पैराडॉक्स पार्ट 1। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फर्मी पैराडॉक्स पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं फर्मी पैराडॉक्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।